नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कृषि अध्यादेशों पर उबाल। दिल्ली केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के लिए गए किसान नेता आपस में हरियाणा भवन में भिड़ पड़े। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के बाद संसद में पेश किए गए तीनों अध्यादेशों पर हरियाणा के किसान संगठनों से जुड़े नेता केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन खुद ही आपस में भिड़ गए। वाकया दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन का है, जहां पर किसान नेताओं का एक गुट भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चूडनी के साथ भिड़ गए। उन्होंने चूडनी को भी काफी भला बुरा कहा, हालांकि चूडनी ने भी उनके साथ जमकर बहस की। एक वक्त पर हाथापाई तक की नौबत आ गई थी, लेकिन कुछ लोगों के बीच बिचाव करने के बाद मामला शांत करवाया गया। दरअसल हरियाणा के भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह के न्योते पर किसान नेता गुरनाम सिंह चूडनी व अन्य किसान संगठनों का एक दल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए दिल्ली गया था। उनसे मिलने से पहले गुरनाम सिंह चूडनी सांसद धर्मवीर सिंह के आवास पर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का व अन्य नेता भाजपा नेताओं से मिलने के लिए गए। यहाँ पर चूडनी ने मांग रखी कि हरियाणा को इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश वापस नहीं होगा, बल्कि सरकार इस पर कानून बनाएगी। इस पर चूडनी ने कहा कि जब सरकार ने तय कर लिया है कि अध्यादेश वापस नहीं होगा तो हमारे साथ बात करने का क्या फायदा। जिसके बाद गुरनाम सिंह चूडनी व अन्य कई नेता संगठनों ने बातचीत से इनकार कर दिया। वहीं हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सांसद धर्मवीर सिंह, नायाब सिंह सैनी व ब्रिज सिंह की अगुवाई में कई किसान संगठन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले। जान वो देंगे, अपनी मार देंगे, सब मार देंगे, मर देंगे सब मार देंगे। बैठे को ना महान देश जहां पर चर्चा है, जहां पर चर्चा है, वहां भी सुनो, सुनो वहां भी आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया, वहां भी आए थे भाई, जिम्मेदार किसान ने पेश कर दिया, वहां खड़े होगा, वहां पर्चे दर्ज करवाने बोल दिया, पर्चे वापिस होंगे, हमने बोल दिया पर्चे वापिस होंगे, एक एक किसान के पर्चे वापिस होंगे। रामने को थोड़ा पैसे ले रखे हैं, कांग्रेस का खेल खेल रहे हैं, चुड़ू निकाल छोड़ कर सबके पर्चे वापिस होंगे, चुड़ू निकाल नहीं होगा। वही बच्चा वही पैर पकड़ना आया के सरकार के, सरकार के पैर पकड़ने आया, किसने बुलाया, जाकर मदन में लड़े। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अतर सिंह संधु है, भारतीय किसान यूनियन ए का मतलब अतर सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, मेरी ये काम मानना है नहीं अब ये आपका गुरु नाम चुड़ू नहीं ये गुरु नाम चुड़ू नीचे जो आपका ये वाद विवाद होया क्या था ये मसला? आप कहाँ हो? दिल्ली में? मैं दिल्ली के हरियाणा भवन में हूँ। हरियाणा में? अच्छा, गुरु नाम चुड़ू यहाँ दलाल बनकर सरकार से चुपचाप बात कर रहा है, जो कि हमने विरोध किया उस बात का, इन्हें चुपचाप मिलते ही कोठी का धर्मवीर जी की कहने लगा मेरी बात मानो, मेरे को साथ लो, केंद्रीय मंत्री से मुझे अकेले को मिलाओ, ये किसान को बेच रहा है, हरियाणा किसान को बेच रहा है, ये बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं। चूड़नी आरती है व्यापारी वर्ग और उसका जो आरती के लोग हैं, जो शेयर वाले हैं, उनके पैसे से ये आंदोलन लड़ने की तैयारी कर रहा है। नहीं, अब क्या लेने आया जी सरकार के पास? जी सरकार से पैसे लेने हैं, दलाली लेने अपनी। अच्छा, चूड़नी इसको पैसे चाहिए मंत्री? किसान आंदोलन आंदोलन आ तो धरने है, लेकिन यहाँ सरकार के पास हरियाणा भवन दिल्ली में क्या लेने आया? ऐसा है प्रधान जी, इसने जो 17 संगठन थे रात को किसी संगठन से बात ही नहीं करी, चुपचाप अपने 5 आदमी लेकर के दिल्ली में बैठ गया, धर्मवीर जी कोठी में, धर्मवीर जी कोठी में सेटिंग करने की कोशिश की। धर्मवीर जी ने जो सांसद हैं भिवानी के, उन्होंने वहां से धक्के देकर भगा दिया, उसके बाद हरियाणा भवन में आ गया। ये पूरी तरह सेटिंग करना चाहता है, किसानों को बेचना चाहता है। अगर किसान चूड़नी के आंदोलन के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से नुकसान होगा, और जो 8 मांगे रखी थी पूरी तरह भारत सरकार ने उनको मान लिया है, किसान हित में पूरी 8 मांगे हैं, किसान का इन अध्यादेशों में बहुत फायदा होने वाला है निश्चित रूप से। किसान, हम 20 साल से टीवी डिबेट करते थे, कहते थे किसान अपनी जब एक साबुन वाला अपने फसल के रेट रख सकता है, एक किताब वाला अपने रेट सकता है, किसान क्यों नहीं? ये तो राजनीति का 2 बार 3 बार तो चुनाव लड़ लिया, अब यो क्या? ऐसा जी, इन्हें 3 बार चुनाव लड़ लिया, एक बार तो पंच से वोट आई, एक बार आजाद पार्टी से लड़ा 15 से वोट आई, यू आड़तियों के पीछे लेकर चुनाव लड़ा है। हम जो हम चुनाव जिंदगी में लड़ूंगा, क्योंकि मैं किसान का एहतियाती हूँ,
किसान की लड़ाई लड़ूंगा, इसके लिए हमने कुर्बानी भी देनी पड़े, छुड़ने की तरह हम किसानों को बिगड़े नहीं देंगे। नहीं, गन्ना मिल पे भी था इना, गन्ना मिल में पीसे ऐसा जी इकबालपुर शुगर मिल में हरियाणा के किसानों को बहका के लेकर था चुड़नी, वहाँ 34.5 लाख रुपए भगाया था, वहाँ आंदोलन कर साथ 34.5 करोड़ रुपए भगाया था, वहाँ से 6 लाख रुपए चुड़नी शुगर मिल वालों से लेकर अपने घर बैठ गया। और सजादपुर में, सजादपुर में भी इसने पैसे लिए, उस पैसे की हम आगे आपको बता देंगे कितने पैसे मैंने डील किए। 5 लाख का लिया था, ठीक है। अब दोबारा शुरू तो कर, आज यो जो चुड़नी के साथ झगड़ा होया अतरलाल जी के साथ, संधू के साथ, यो क्या मसला था, यो हरियाणा भवन में दिल्ली में ये क्या लेना आया था? ऐसा है प्रधान जी, ये सुबह से चुड़नी बगैर बुलावे के मेरे से बात कर लो, ये यहाँ पर पीपली में तो लाखों चार दादा उनको पता नहीं था, और आज ये उनका सौदाबाजी करने आ रहा था, लेकिन इससे किसी सांसद ने मंत्री ने बात नहीं की, और जो सिंधु साहब से वो कह रहे थे ये ठीक कह रहे थे, इसने शुगर मिल में 5 लाख रुपए खाए, आरतीयों से चंदा इकट्ठा करता खाता सारे पैसे, अब इसका कोई मामला नहीं था, आज ये किसानों को बेचना चाह रहा था, इनका सौदाबाजी करना चाह रहा था, सिंधु साहब को पता चल गया, अगर दिल्ली में घुस गया, ये धर्मवीर जी की कोठी में देखा, कसी बोहम लुकते छुपते पेटो घाट में देखा धर्मवीर जी, सिंधु साहब ने फिर हरियाणा बोर्ड में देखा, ये वो धनखड़ साहब से कह रहा था 2 मिनट दे दो मेरे से 2 मिनट मिलो, तुम आंदोलन कर रहा है तो किस लिए सरकार के मंत्री सांसद से टेम मांग रहा है, किस लिए इनसे दिल्ली में लुक छुपका मिल रहा है, तो ये आज किसानों को बेचना चाह रहा था, सभी यूनियन और संगठनों को पता चल गया, उन सभी ने इसको गाली दी या भद्दा कहा। अच्छा, ये तो सारे किसानों ने करे इसका बायकॉट यहाँ हरियाणा भवन में, सभी संगठनों ने जो किसान यूनियन थी, किसान संघ थी, सभी ने इसका बायकॉट किया, इसका अपमानित किया इसको, और ये अपनी इसकी बड़ी बेइज्जती हुई आज यहाँ पर, क्योंकि पीछे भी इसका रिकॉर्ड रहा है, रिश्वत ली है, वो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव लड़ेगा और राजनीतिक किसानों का इतना हो ही नहीं सकता। चलो जी प्रधान जी, चुनाव लड़ने के लिए किसानों का कैसे हो सकता है?